नमस्कार मेरे छोटे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपके सामने कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 2.1 लेकर के आया हूँ। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, x² - 2x - 8। इसका बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है और शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। इस वाले क्वेश्चन को हम लेकर के चलते हैं, x² - 2x - 8 = 0। फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट का जब हम गुणा करेंगे तो माइनस का 8 गुणा x² = जो आएगा हमारा माइनस के 8x² आएगा। इस अचर वाली संख्या का गुणनखंड करेंगे तो 4 × 2 = 8 गुणनखंड कर दिया हमने। गुणनखंड करने के उपरांत में ऐसा योग या अंतर लेकर के आना है कि जिसका हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो। यहाँ पे अगर हम योग या अंतर जोड़ करके या घटा करके, अगर 4 और 2 को हम जोड़ देते हैं तो 6 होता है, लेकिन हमें लेकर के आना है 2, तो इसलिए ये गलत है। अगर हम इससे जोड़ करके लिया है हमने, अब क्या करेंगे हम घटा करके करेंगे। ध्यान रहे हमें माइनस के लेकर के आना है, इसलिए हम क्या करेंगे इस वाली संख्या को माइनस का करेंगे, प्लस के 2 कर देंगे। तो क्या होगा, -4 है + 2 है तो = क्या आ जाएगा हमारा -2, वही हमें चाहिए -2। बस एक्स एक्स और दोनों तरफ कर देंगे तो हमारा -2 आ जाएगा। ये वाला पोर्शन हमारा लिखा हुआ है, अब उसके स्थान पर हम ये वाला पोर्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया है x² - 4x + 2x - 8 = 0। दो पोर्शन हो चुके हैं, दो दो पद का इसका एक बना लेते हैं, x² - 2x को एक पद में ले लेते हैं, इनको एक पद में ले लेते हैं। इसमें से x² x दोनों जगह x कॉमन आ रहा है, दोनों जगह x उपस्थित है, इसलिए x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो एक x बाहर आ गया, एक x बचा यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि 2x है, x^2 2x है यहाँ पर, तो एक बाहर आ गया एक यहाँ पर रह गया, माइनस का चिन्ह। यहाँ पर जो वाला ये वाला x था ये बाहर आ गया, कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ पर 4 बचे। उसके बाद में यहाँ पर हम आते हैं +2 + 2 ले लेंगे, और उसके उपरांत में क्या करेंगे इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 से यहाँ पे भी चला जाएगा भाग, 2 से यहाँ पे भी चला जाएगा, तो 2 लेंगे तो 2 से यहाँ पे बचा 1, क्योंकि 2 × 1 = 2 x बचा, -2 × 8 = 0। ध्यान रहे कि अब हमको देखना है कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम दोनों एक सेम टू सेम होनी चाहिए, यहाँ x तो यहाँ पे भी x, -4 सेम टू सेम है, इसका मतलब कि हमारा यहाँ तक सवाल सही है। अगर यहाँ पर प्लस हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है तो सवाल गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप आगे ना बढ़ करके पीछे ही देखें, जिससे क्या होगा कि सवाल आगे गलत होने की कम स्थिति बनी रहेगी। अब क्या करेंगे, दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे x - 4, और इन दोनों को एक कॉलम ले लेंगे x + 2 = 0। पहले एक के साथ में इसको हम लेंगे 0, x - 4 = 0, इस वाले को इसके संग ले लिए 0, इस वाले का ट्रांसफर कर देंगे हम x बराबर, इधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का है यहाँ, इधर की तरफ जाएगा तो प्लस का है, x + 4, x का मान 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसके संग में 0 लिए, अब हम इसके साथ में 0 लेंगे, x + 2 = 0, x बराबर ये प्लस का 2 है यहाँ पर, इधर की तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, x बराबर हो गया -2। तो इसके जो शून्यक होंगे, हमें शून्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, तो शून्यक होंगे 1 4 हो गया और -2, ये 2 शून्यक हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, संबंध स्थापित करना है हमें, क्या करना है संबंध स्थापित करना है, इनका संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करेंगे तो हमको क्या करना है, सबसे पहले मूलों का गुणनफल और मूलों का युगफल दो चीज ज्ञात करेंगे। तो युगफल ले लीजिए,
योग फल, योग फल क्या होगा? योग फल होगा, मूल कहाँ है ये आ चुके हैं, शून्यक जिसे हम, या तो हम ये भी कह सकते हैं शून्य, या इसको हम कह सकते हैं शून्यक या मूल, ये दोनों ही चीज हैं, या इसको मत लिखिए, चाहे इसको कोष्टक में कर दीजिए, शून्यक या मूल, तो शून्यक तो दोनों जोड़ दीजिए, योगफल मतलब जोड़, योगफल मतलब जोड़ के दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 प्लस k प्लस प्लस का जोड़ कर लिए तो -2, -2 यहाँ पर इक्वल टू, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे यहाँ पे पहले कोष्टक को हटाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस k 2 इक्वल टू हो गया 2, मतलब योगफल जो हो गया है, योग फल जो हो गया है वो आ चुका है 2। अब गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होगा वो दोनों जो दिए गए हैं इनको दोनों को गुणा कर दीजिए, 4 × -k 2 इक्वल टू 4 2 चौका 8 -k 8। ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि हमें एक सूत्र दिया जाता है, वो सूत्र ही दिया जाता है मूलों का, ये क्या हो चुका है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल ये हो चुका है। यहीं से हम क्या करेंगे, जब हम योगफल ज्ञात करते हैं, योगफल शून्यकों का योगफल, तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो यहां पे लेंगे माइनस, तो हमारा सूत्र में है ये, एक्स का गुणांक कहाँ है देखेंगे, एक्स का गुणांक ये वाला -k 2, -k 2 कोष्टक में ले लिए, बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक यहां पर 1 ले लेते हैं हम, 1 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब एक का भाग देंगे और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस 2/1, और यहां पर हो जाएगा 2, ठीक है, तो 2 हो जाएगा हमारा। ऐसी ही स्थिति में हम क्या करेंगे, अब ये हो चुका है हमारा, अब देखिए यहाँ योगफल 2 आ रहा है और यहाँ पे भी योगफल हमारा 2 आ रहा है, गुणनफल कैसे करेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर आ गया -k 8, और शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू जो होता है वो होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद यहां पर दिया गया है ये वाला अचर पद होता है, तो इक्वल टू हो गया -k 8, और x² का गुणांक दिया गया है यहां पर, हमने अभी बताया था आपको 1 1, तो अपॉन में आ गया यहां पर 1, इसका हम डिवाइड कर देंगे -k 8। यहां पर भी देखिए शून्यकों का गुणनफल जो आ रहा है वो भी हमारा 8 आ रहा है, और यहाँ पे भी 8 आ रहा है, इसलिए ये हमारा संबंध जो है स्थापित हो चुका है। धन्यवाद।